हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे यू नो द यंगेस्ट बाबा इन इंडिया। आजकल ये यंगेस्ट बाबा फ्रॉम इंडिया बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, ठीक है। आजकल बहुत ही छोटे छोटे बाबा यू नो बच्चे लोग बाबा बन रहे हैं, तो देखते हैं। देखो दोस्तों, कितनी यंग बच्चे बाबा बन रहे हैं। मैं इनके बारे में आज रिएक्शन करूँगा। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। आई थिंक यू गाइस विल नॉट हैव एनी ऑडियो हियर। यहाँ पर शायद आप लोगों को कोई ऑडियो नहीं मिलेगा। तो ये देखो, ये कितनी छोटी बच्चे है जो बाबा बन रहा है। और इसकी तो अवेलेबल देखने को मिलेंगे शायद आजकल। ये बाबा देखो, ये बाबा देखो, इस तरह का अवेलेबल बाबा है। ओह माय गॉड। तो ये देखो, छोटी छोटी बच्चे लोग बाबा बन रहे हैं, है ना। ओके, इतनी छोटी छोटी बच्चे लोग यू नो बाबा बन रहे हैं। तो इन सब के बारे में ही मैं आज बात करूँगा। पहले फिर से देख लेते हैं, ये तो बहुत यंग है। ओके, बहुत सारे हैं। ये देखो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितने खतरनाक बाबा है। बहुत कुछ सिखा रहा है। आप लोगों को ऑडियो नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो वो प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन देख लीजिएगा। एक छोटे से बाबा यूट्यूब में ये सब वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं सब बाबा। ये देखो, ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है। इतनी छोटे से बच्चे को बाबा बना दिया, बाप रे बाप। ये भी एक बहुत ही छोटी बच्चे है, छोटे बच्चे, ठीक है। तो इनके विषय में मैं आज रिएक्शन दूंगा, ठीक है। तो क्या है कि सिद्धि पुरुषा धर्म जो हमारे मेरे धर्म के हिसाब से, तो जब तक आपका एज 60 इयर्स नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी धर्म गुरु नहीं बन सकते, ठीक है। आपको धर्म गुरु बनने का जो परमिशन है वो आपके रिटायर होने के बाद होता है, ठीक है। जब आपका एज 60 इयर्स के ऊपर चला जाता है तब आप जाके बाबा बन सकते हो, ठीक है। 60 इयर्स एज के नीचे आप चाह के भी बाबा नहीं बन सकते, ठीक है। आपको ऐसे नॉर्मल लाइफ ही जीना पड़ेगा, आप अब बाबा नहीं बन सकते सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि यू नो बाबा बनने के लिए हमें बहुत नॉलेज की ज़रूरत होनी पड़ती है, ठीक है। गुरु बनने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉलेज मतलब एक्सपीरियंस, ज़िंदगी को जीने की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो अभी बाबा बन रहे हैं, इन लोगों के पास क्या एक्सपीरियंस होगा? आपको क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस होगा? इन लोगों ने तो खुद की ज़िंदगी को ही ठीक से देखा नहीं, मतलब ठीक से जिया ही नहीं अभी तक, है ना। वो लोग तो जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, बस यही कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाइफ की इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाबा बनने के लिए आपको लाइफ की एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके वजह से यू नो सिद्धि पुरुषा धर्म में आपको 60 इयर्स की एबव होना पड़ेगा, तब जाके आप बाबा बन सकते हैं। क्योंकि 60 इयर्स तक आपने ज़िंदगी जिया है तो कितना एक्सपीरियंस होगा आपके पास, है ना। 60 इयर्स तक आपने ज़िंदगी को देखा है कैसा कैसा होता है, तो 60 इयर्स का आपका ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस है। इसलिए 60 इयर्स के बाद ही आप आज से बाबा बन सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो आप इतने पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी आपके पास बहुत आइडिया आ जाता है कि ज़िंदगी को कैसे बदले, ज़िंदगी को कैसे जिए, है ना। इसलिए सिद्धि पुरुषा धर्म में 60 इयर्स के बिलो लोगों को बाबा नहीं बनने दिया जाता है। वो बन ही नहीं सकते चाह के भी। आपको बाबा बनना है तो 60 इयर्स के अबव बनना पड़ेगा।
इसलिए मैं खुद एक गुरु हूँ सिद्धि पुरुषा धर्म का, बट स्टिल मैं भी बाबा नहीं बना हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एज अभी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मुझे 60 ईयर्स के ऊपर बनना पड़ेगा, तब जाके मैं बाबा बन सकता हूँ, अगर मैं बनना चाहता हूँ, गुरु बनना चाहता हूँ तो, ठीक है। मैं अभी गुरु नहीं हूँ, एक्चुअली रियल गुरु नहीं हूँ, मतलब मैं अपने को गुरु बोलता हूँ क्योंकि मैं सिखाता हूँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ये नया धर्म है। सिद्धि पुरुषा धर्म का फाउंडर तो मैं खुद ही हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से 60 ईयर्स के अबव लोगों को ही बनना चाहिए, ठीक है। और सिद्धि पुरुषा धर्म में तो आपके पास सिद्धियाँ होना ज़रूरी है, अगर आपके पास सिद्धियाँ नहीं है तो यू आर नॉट ए मेम्बर ऑफ सिद्धि पुरुषा धर्म, ठीक है। ये बात है हमारे सिद्धि पुरुषा धर्म में एक्चुअली, ठीक है। तो 60 ईयर्स के अबव होना चाहिए, ठीक है, बाबा बनने के लिए या फिर गुरु बनने के लिए। अगर 60 ईयर्स के बिलो जो जवान लोग हैं वो लोग गुरु बनते हैं तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुरु बनना बाबा बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, ठीक है। गुरु को लोग बहुत फॉलो करते हैं ना, वो लोग जो बोलते हैं लोग करते हैं, ठीक है। अगर गुरु ने बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो उसका गलत रिएक्शन हो जाता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से लोगों को समझाना पड़ता है। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, इसलिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। 60 ईयर्स तक आपको देना पड़ेगा, आपका ज़िंदगी जीना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप बाबा बने गुरु बने तो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो 60 ईयर्स के बिलो आप बाबा बनेंगे तो अनएक्सपीरियंस बाबा हो आप, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखते हैं कुछ और बाबा। तो मैंने अभी सिद्धि पुरुषा धर्म के बारे में आपको बता दिया कि 60 ईयर्स के अबव लोग ही बन सकते हैं, उसके बिलो नहीं, ठीक है। और फिर और भी है, ये तो हो गए बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग, और ये है बागेश्वर धाम, है ना। तो ये बच्चे लोग तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर आई थिंक ये बागेश्वर धाम है, ठीक है। ये बागेश्वर धाम देखते हैं, मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग कैसा है पता नहीं, लेकिन शायद यही है, ठीक है। अरे यार ये एडवर्टाइजमेंट आ जाता है क्या 20 पेज में। तो ये बागेश्वर धाम है ना, बागेश्वर धाम बाबा, ही इज ऑल्सो ए वेरी यंग, बहुत ही यंग किड है, ठीक है। तो अभी से ये बाबा बन गए, ऑब्वियसली ये लोग मजबूरी के कारण बने होंगे दोस्तों, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो नौकरी टोकरी लेने में प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो ऑब्वियसली बाबा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है, गलत बात भी इतना नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी में कर रहा है, तो हमें उन लोगों को एक्सक्यूज देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मजबूरी में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तो आप तो उन लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है, आपने तो उन लोगों को खाना नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है उन लोगों को, वो लोग क्या करेगा, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इसमें हमें एक्सक्यूज़ देना भी चाहिए, ठीक है। सिद्धि पुरुषा धर्म के हिसाब से कुछ भी चीज़ सही भी नहीं, कुछ भी चीज़ गलत भी नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 60 ईयर्स के अबव लोगों को ही बाबा बनना चाहिए, है ना, गुरु बनना चाहिए, लेकिन मैं ये जो कर रहा है, या अभी जो बच्चा है उसको मैं एक्सक्यूज़ देना भी चाहिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सक्यूज़ देना चाहिए, सब लोगों की ज़िंदगी एक जैसा नहीं होती, शायद उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, तो अगर इनके जगह आप भी होते तो शायद आप भी ऐसे ही करते। तो अभी ये ज़्यादा मतलब अगर वो अच्छा से सिखा रहा है, जो किताब में लिखा हुआ है वो उसे सिखा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली उसको अब बाबा नहीं बनना चाहिए, एक्चुअली उसको एटलीस्ट बूढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, एटलीस्ट 60 ईयर्स तक तो उसको ज़िंदगी जीना चाहिए, देखना चाहिए ना, एक्सपीरियंस चाहिए।
बदभावी से बाबा बना है, अगर वो सब कुछ अच्छा अच्छा सिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी की मजबूरी है। लेकिन अगर वो कहता है कि उसके पास सिद्धि वगैरह है, तो यू नो सिद्धि वगैरह तो मैं खुद भी क्लेम करता हूँ कि मैं भी एक सिद्धि पुरुष धर्म का हिस्सा हूँ, तो मेरे पास भी है थोड़ी सी एरोकाइनेसिस और कुछ कुछ है सिद्धियाँ मेरे पास भी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने से तो लगता है इसके पास ज़्यादा सिद्धि नहीं है दोस्तों, ठीक है, पता नहीं इसके शायद मुझे नहीं लगता इसके पास सिद्धि है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसके पास सिद्धि होता तो मैं खुद उसको सिद्धि पुरुषा धर्म का मेंबर बनाता, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिद्धि पुरुषा सिद्धि वाले लोगों को हम लोग देख के ही पहचान जाते हैं, ठीक है, किसके पास सिद्धियाँ होंगे नहीं होंगे इसको हम लोग हम सिद्धि पुरुषा धर्म के लोग देख के ही पहचान जाते हैं, ठीक है, तो ये जो बाबा है इसके पास एग्जैक्टली सिद्धि नहीं है, ठीक है, ये कहते हैं कि यू नो गुरु कृपा बोलते हैं, वो सही बात है, ठीक है, इसके पास किसी गुरु का यू नो विद्या है वो सही बात है, ठीक है, बट इसके पास सिद्धियाँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम खुद देख के थोड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हैं सिद्धि वाले व्यक्ति थोड़ा अलग बिहेव होते हैं, ठीक है, वो लोग एग्जैक्टली ऐसा व्यवहार नहीं करते, ठीक है, वो उन लोगों का कैरेक्टर्स लोग हम लोग जानते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि हम खुद लोग सिद्धि पुरुषा है ना, तो ये बात है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि गुरु कृपा मतलब गुरु का उसके आशीर्वाद है, वो सही बात है, ठीक है, इसको किसी ना किसी का थोड़ा आशीर्वाद है, थोड़ा कृपा है गुरु का, ये सही बात है, और ये गुरु कृपा की वजह से ये कट्टा यू नो पॉपुलेशन हुआ है, मतलब ये लोगों को कलेक्ट कर पा रहा है, बट एग्जैक्टली इसके पास सिद्धियाँ नहीं है, ठीक है, तो ये बात है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, लेकिन उसको ये मजबूरी में कर रहा है ये सब, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, बट गुरु बनने की जो टाइम है वो इसका नहीं हुआ है, ठीक है, उसको अभी बनना नहीं चाहिए गुरु, ठीक है, मैं ये भी कहूँगा, ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव, उसके बाद और कौन गुरु है, और कोई तो नहीं, बस ये लोग ही हो गया, अभी जितना भी गुरु लोग हैं ज़्यादातर तो जेल में है, राम रहीम क्या क्या नाम है, और जो क्या बाबा तारे निर्मल बाबा शायद वो भी जेल में होंगे या फिर पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर तो जेल में ही है, तो इसलिए हो गया, तो ठीक है, मेरा रिएक्शन यही था दोस्तों, ठीक है, गुरु बनने के लिए एटलीस्ट आपको बहुत सारा चाहिए, मतलब ज़िंदगी मतलब एटलीस्ट 60 ईयर्स आपको स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा यू नो आप गुरु नहीं बन सकते, हमारे सिद्धि पुरुष धर्म के हिसाब से तो ऐसा ही है, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस यही था, अब बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि हमारे सिद्धि पुरुष धर्म के हिसाब से तो कुछ भी चीज़ भी सही भी नहीं है गलत भी नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से है, आपको सिचुएशन को पहचानना आना पड़ेगा, ठीक है, तो बस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।